जय श्री राम। मेरा नाम शिवम शुक्ला है और आप सभी को जय श्री राम, जय महाराज जी। बाबा जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि श्री नीम करोरी धाम से ही हमारी बिलोंगिंग है और बाबा जी को हम जानते थे लेकिन इतना मानते थे और मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस नाम ही सुना था। लेकिन फिर लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि बस एक बार उनके बारे में सुना था तो उन्होंने कुछ सालों बाद अपना ही पूरे तरीके से बना लिया और जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी कुछ होता है तो बस बाबा जी सब सॉल्व कर देते एकदम से, पता नहीं चलता उन चीज़ों का। बाबा से आपका किस वर्ष जुड़े? बाबा से मैं पिछले साल मैं बाबा से जुड़ा था और उस टाइम पे मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत सारी, तो मतलब ऐसा हो गया था, कंडीशन बहुत अलग लेवल पे वो सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर एकदम से ही बाबा जी को मैं जानता था लेकिन इतना कुछ ऐसा मानना और वैसा नहीं था। लेकिन फिर सडनली एक रात को दिमाग में आया, यूट्यूब चला रहा था, बाबा जी का वीडियो ऑटोमेटिकली उस दिन आया। फिर उस दिन रात में उनका एक वीडियो देखा, दो देखे, तीन देखे, पूरी रात वीडियोज़ देखता रहा। अगले ही दिन फिर मैं वृंदावन पहुँच गया जहाँ बाबा जी का महासमाधि स्थल है। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर मेरी अनुभूति ये हुई कि जो कुटिया है बाबा जी की, वहाँ पे अगर आप सच्चे मन से जाते हैं, सच्चे मन से, तो वहाँ पे बाबा जी तो नहीं लेकिन आपको साक्षात हनुमान जी की एनर्जीज आपको बिल्कुल फील होंगी। फिर उसके बाद में मैं यहाँ दिल्ली में आया अपने बिरला मंदिर हनुमान जी में, तो यहाँ से तो मैं जुड़ गया बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद मैं कैंची धाम भी गया, कैंची धाम पे भी जाके मेरे को यही मतलब अनुभूति हुई कि वहाँ पे आज भी साक्षात महाराज जी हनुमान जी का वास है। तो बस यही लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे और अब तो फिर बाबा जी ही सब कुछ है जी। राम, श्याम, राधा, सीता, सब कुछ बाबा जी महाराज जी ही हैं क्योंकि वो स्वयं हनुमान हैं, तो फिर अब हनुमान के अलावा है भी कौन। कैंची धाम कितनी बार गए? कैंची धाम मैं तीन बार होया हूँ, शायद दो बार होकर आ गया हूँ मैं कैंची धाम, और अभी फिर से प्लान बन रहा है और सबको जाना चाहिए कैंची धाम सच्ची श्रद्धा से। ये जरूरी नहीं होता कि हम हर बार प्रॉब्लम में हो तो हम हर बार मांगने ही जाएं बाबा के पास, क्योंकि जब आपने गुरु बना लिया, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि गुरु की हाँ में भी भला, गुरु की ना में भी भला। अगर गुरु ने आपके लिए कोई आदेश, आप कुछ है आपके मन में, अगर उसके लिए हाँ है तो आपकी भलाई है, और अगर आप कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए ना है, वो काम नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब गुरु आज्ञा नहीं है और वो आपके लिए नहीं है। तो यही लाइफ के अनुभव हैं और अपने आप को पूरी तरीके से आप एक शक्ति को समर्पित कर दो, डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हम माँ बाप पे भरोसा करते हैं आग बंद करके, डाउट नहीं होना चाहिए, बस फिर आपका हर काम सब कुछ एकदम सही नॉर्मल तरीके से होता जाएगा। और यहाँ भी तो रेगुलर आप आते ही रहते? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे मैं रेगुलर आता हूँ और अभी छोटा सा ये मेरा बेबी आया है, ये भी महाराज जी की देन है, कैंची से आने के बाद ही हमको इसके दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो ये बाबा जी का ही प्रसाद है, इसे हम बाबा जी का ही प्रसाद मानते हैं। इसका नाम भी हमने, मैं वृंदावन रेगुलर जाता रहता था और वृंदावन से मेरे को काफ़ी लगाव है, तो ये हुई भी तुलसी विवाह वाले दिन है, तो इसका नाम भी हमने इसलिए वृंदा रखा है। अच्छा अच्छा, और नए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नए लोगों से मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप महाराज जी के पास आए, आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले तो आप अपने आप में सेल्फ रियलाइज़ करिए कि आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं क्या आपकी उसमें कोई गलती है। अगर गलती है तो आपको वो महाराज जी के सामने गलती माननी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तो आप तुरंत उससे निकल जाएंगे। अगर आपकी गलती नहीं है तो भरोसा रखो हर चीज़ में, बस समय दो, भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। ये मेरा पूरा और पूरा विश्वास है, विश्वास से भी ज़्यादा विश्वास, अति विश्वास है मेरा। यही मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे और यही मेरा अनुभव है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं भी ना, मेरा भी मायका फर्रुखाबाद में ही है, तो मैं भी वहाँ से बिलोंग करती हूँ। ज़्यादा इससे पहले, मैं शादी से पहले सिर्फ एक बार गई थी नीम करोरी आश्रम में, उसके बाद में फिर मेरी इनसे शादी हो गई, फिर मेरा वहाँ आना जाना स्टार्ट हो गया। और बाकी तो हर जगह ही, अब हनुमान जी तो साक्षात भोले जी के ही स्वरूप हैं, तो जहाँ पे हनुमान जी हैं वहीं पे भोलेनाथ हैं, जहाँ पे भोलेनाथ हैं वहीं हनुमान जी हैं, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन जी, जी, तो बस हर जगह वही हैं और वही आदि हैं, वही अनंत हैं, बस उनके अलावा कुछ नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।